अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मोहम्मद रिजवान पिजन्स। तो आज आपको मैं बताता हूँ फर्टाइल और अनफर्टाइल में निशानी क्या निशानी होती है। अनफर्टाइल जो एग होता है ना, अब इसको तकरीबन 20 दिन हो गए हैं इसको मादी ने अंडे दिए हुए हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो मेरी मादी थी, नर था जो इसका, वो बीमार था, लेकिन फिर भी मादी ने अंडे दे दिए हैं। कोई मेटिंग शेटिंग नहीं की, लेकिन मादी ने अंडे दे दिए हैं। तो ये कच्चे अंडे थे, मैंने कहा निकल आएंगे, बच्चे पढ़ने ही निकले, इनमें से बच्चे नहीं निकले। आज 20 दिन हो गए नहीं निकलने, मुझे पता है क्योंकि अनफर्टाइल है ये। और मैं आपको निशानी बताता हूँ। एक तो सबसे पहली बात, अगर आप इसको रोशनी में रख के देखेंगे ना, अभी रोशनी लाइट तो है, अभी देखते हैं, अभी ये देखें जो वो होता है ना, जो फर्टाइल एग होता है ना, उसके अंदर जो है रगे बन रही होती हैं, हल्की हल्की रेड रेड सी रगे होती हैं, वेन्स होती हैं इनके। इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर हिल रहा है अंडा। ऐसे करो ना, हिलाओ ना, तो महसूस होता है कि कोई चीज़ अंदर से हिल रही है, दोनों अंडों में से। और ये इसमें से बच्चे नहीं निकलने, ये ख़राब हो गए हैं, तो इनको आज उठाते हैं। इसके साथ ही दूसरी मादी ने अंडे दिए थे, वो सामने, एक मिनट, वो सामने नर बैठे हुए, और मैं कैमरे की नज़र नहीं आ रहा, वो सामने ब्लर सा जो नज़र आ रहा है ना, वो ब्लर सा जो नज़र आ रहा है, वो नर, उसने अंडे दिए हुए। तो उसके भी इतने दिन हो गए, उसके शायद निकल आए होंगे बच्चे, या निकल आए हैं उसके बच्चे, नहीं निकले, पता नहीं निकले हैं या नहीं निकले, लेकिन उसके मुझे पता निकल आएंगे क्योंकि वो फर्टाइल थे। मैंने उस दिन चेक किए थे, वो फर्टाइल थे, ये अनफर्टाइल थे, इनमें से बच्चे नहीं निकलने। अब देखें ये जो नर बैठा हुआ है, अब क्लियर हो गया। तो इन्होंने दोनों ने साथ अंडे दिए थे, तो वो फर्टाइल अंडे इसके अनफर्टाइल थे। इसको मैं आज अंडे उठा दूँ, क्योंकि आज मुझे पता है, मैंने इसके पहले उठा देने थे पर नहीं उठाए, मैंने कहा शायद बैठे नहीं, नर भी सेट हो जाए, फिर उसके बाद जो है दोबारा इनकी ब्रीड लेंगे। तो ये अंडे हैं, वो सामने इस पेटी से मैंने उठाए हैं, ये इस पेटी से मैंने अंडे उठाए हैं ये। तो ये थी आपको मैं फर्टाइल अंडे की भी बताता, वो भी कितना वाजिब फ़र्क होता है, लेकिन वो अभी बच्चे निकल आएंगे उससे, नहीं तो निकाल देता ये बाहर निकालता। तो बस यही है, ये आप भी ऐसे देखा करें, क्योंकि मादी जब जोड़ा लगता है ना शुरू में, तो मादी ज़्यादातर जो है वो कच्चे अंडे डालती है। सबसे पहला जोड़ा जो होता है, पट्टी जो होती है ना, वो जोड़ा डालती है ना, वो कच्चे अंडे डालती है, वो नहीं, वो उसमें से बच्चा नहीं निकलना होता। ये नर माशाल्लाह ब्रीडर नर है, ये भी अंडों पे नहीं बैठता था, मादी अकेली बैठती थी, बहुत कम बैठता था शादर नादिर। तो आज मैंने इसके अंडे उठाए हैं, ये फिर इंशाल्लाह नई ब्रीड करेगी, जैसे ही फिर मैं आपको इंशाल्लाह इस पर अपडेट देता रहूँगा। ये जो पेयर बहुत अच्छा है, इसका एक बच्चा भी अंदर आया मेरे पास, इसकी ब्रीड भी पड़ी है, दो बच्चे इसके थे, एक बच्चा भाग गया था, ज़ाया हो गया था मेरे से, वो बैठ गया था जाले के पास, और एक बच्चा इसका आया। पता नहीं कैमरा ब्लर क्यों आ रहा है, वीडियो ब्लर आ रही है, पता नहीं क्यों ब्लर आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और अभी इन अंडों को उठाते हैं, इनको अगर मैं तोड़ूंगा ना, तो इनके अंदर से जर्दी, कच्चा कच्ची सफ़ेद सफ़ेद सी और पीली पीली मिक्स सी जर्दी निकलेगी, और इसका मतलब है ये अंडे ख़राब हो गए हैं। और ये देखें साइज़ में भी छोटे हैं, साइज़ में भी छोटे हैं, ये बड़े अंडे जो होते हैं ना, बड़े हमेशा 100% उनमें से बच्चा निकलता है, बड़े जो अंडे होते हैं, बड़े साइज़ के अंडे, ये छोटे अंडे हैं साइज़ में, इनका साइज़ छोटा है। तो ये आज की वीडियो थी, ये देखें मारी, आप देख रही यार मेरे अंडे की तरफ, हैरान हो रही है। तो ये कोई मसला नहीं है, हफ्ते तक दोबारा ब्रीड कर देंगे, इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा जल्दी ये ब्रीडिंग करती हैं। वैसे भी इन्होंने बैठना तो है नहीं, तो टाइम ही जाया इनका होने में। मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि अभी सर्दियों में ना, सर्दियों में तकरीबन बस एक पेयर के बच्चे निकले थे, बकाया सब कच्चे अंडे दे रही थी मादियाँ। फिर मैंने उनको खुराक शुराक सेट दी है सही तरह, तो
फिर उन्होंने सैया बच्चे निकाले हैं वो दूसरी खुटी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।